हेलो 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 हाँ हो गया टाइट करो हेलो 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग हाउ आर यू नमस्कार आदाब सत श्रीकाल जय जगन्नाथ खंबागरी क्या हाल चाल है बच्चे अच्छा बच्चे एक बाजरा सुनो क्या हाल चाल है चलिए जरा आ जाए हम लोग कि आज का जो टाइम है आपको मैंने ये बताने के लिए बुलाया है कि हम सी ए फाउंडेशन के पेपर में मार्क्स कैसे लाएं ज्यादा से ज्यादा ठीक है मार्क्स कैसे लाएं ज्यादा से ज्यादा इसी पर है हम लोगों को बात करनी है. मैं अपने पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इसी पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं इसी पॉइंट पर जरा हम लोग बात करेंगे बच्चे हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है लेकिन आपको है अब स्ट्रेटजिकली आपको है कि तैयारी करनी पड़ेगी अभी किसी भी चैप्टर की डीप स्टडी की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ और सिर्फ जरूरत है सिर्फ और सिर्फ जरूरत है बच्चे एक बाजरा सुनो सिर्फ और सिर्फ जरूरत है प्लान्ड वे में तैयारी करनी अब प्लानिंग कैसे करेंगे आपको सोचना है लेकिन मैं अपनी तरीका बता दूं जिससे कि जिससे कि आप पास करने के मोड में आ जाए जो टॉप करने वाला है वो टॉप करने के मोड में आ जाए जो टॉप करने वाला बच्चा है उसको तो बस एक एक चीज पढ़नी है कुछ भी नहीं छोड़ना लेकिन अगर जिसको पास करने की मोड है तो बेटे क्या क्या सोचना है इसी पॉइंट पर मैं आपको बताने जा रहा हूं चलिए जरा मैं आपको पहले बता दूं टिप्स पर जरा थोड़ी सी बातें वो जरा देख लो कि बच्चे टिप्स में सबसे पहली बात बच्चे टिप्स और टॉपिक है बी एम एल आर एस इसी की तैयारी कैसे करेंगे इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे आज सबसे पहली बात जरा देखोगे आपके पास आज सेवनटीन हो गया तो इधर से तेरह दिन मान लो और उधर से तेरह दिन मान लो करीब करीब पच्चीस दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है पच्चीस दिन समय रिवीजन के लिए कम नहीं होता है पच्चीस दिन रिवीजन के लिए कम नहीं होता है ठीक है रिवीजन के लिए बहुत होता है तो बच्चे आपको मेन है रिवीजन करनी अब रिवीजन में है सबसे ज्यादा बच्चे एक तीन पार्ट है एक पार्ट है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स दूसरा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स स्टैट्स ये तीन पार्ट है और इस तीनों पार्ट की तैयारी आपको बड़े अच्छे से करने हैं। कैसे करेंगे अब इसी पर जरा आपको सोचना है तो बच्चे एक बाजरा सुनो मैं पहले भी बोलता जा रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ उस पर जरा ध्यान दे दो ठीक बच्चे एक बात जरा सुनो सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए अभी तैयारी पढ़ाई हमें प्रैक्टिस करनी है रिवीजन करनी है किस पर ज़्यादा जोड़ रहा है उस पर जरा मैं आपको फोकस कर रहा हूं सबसे ज़्यादा स्टैट्स जो 40 मार्क्स का है उस पर फोकस करिए इस 40 मार्च में हालांकि इस बार जुलाई अटैम्प्ट में क्वेश्चन सेट करने की स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज कर दी गई थी इसका मतलब हर बार चेंज नहीं होगा हर बार चेंज नहीं होगा इस बार चेंज हो गई और इस बार है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में कम आया था लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नवंबर अटैम्प्ट दिसंबर अटैम्प्ट में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा तो हम लोग नॉर्मली हर बार के जैसे हम ये चलेंगे कि लगभग पंद्रह क्वेश्चन आपके थ्योरी होंगे ये पंद्रह क्वेश्चन थ्योरी और लगभग पच्चीस क्वेश्चन है वह नूमेरिकल होंगे पच्चीस क्वेश्चन आपके लगभग नूमेरिकल होंगे तो बच्चे एक बाजरा सुनो इधर ध्यान से देखिएगा जी लगभग पच्चीस क्वेश्चन आपके नूमेरिकल होंगे तो बच्चे 25 क्वेश्चन थ्योरी है उसको करने में अगर आपकी तैयारी अच्छा है तो 25 सॉरी 15 थ्योरी क्वेश्चन करने में आपको क्या समय लग जाएगा 15 क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल करते हैं तो आपके समय क्या लग जाएंगे बताइए आप ही मुश्किल से पांच मिनट पढ़ने में जो समय लग जाए आंसर देने में समय नहीं लगेगा तो बच्चे इसीलिए हम थ्योरी पर ज्यादा फोकस करते हैं स्टैटिस्टिक्स में जरा देखोगे मैं अपनी जो किताब हमारी है क्रैकर ये हमारी जो किताब है क्रैकर इस किताब में हमने 2006 से लेकर 2021 जुलाई तक का सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की स्टडी किया है और तैयारी किया है कि हाँ किस में किस अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं और इस स्टडी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में कुछ चैप्टर्स है अब जैसे देखोगे पहला चैप्टर स्टार्स का पहला चैप्टर है दूसरा चैप्टर है। ये दो चैप्टर है ये हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और दूसरा हुआ सेंट्रल टेंडेंसी एंड ये दो चेप, तीन चैप्टर से आपके लगभग बीस क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लगभग बीस क्वेश्चन बेटा बीस क्वेश्चन बहुत होती है ट्वेंटी क्वेश्चंस इन स्टैटिस्टिक्स इन ओनली थ्री चैप्टर्स ये कम नहीं होता बहुत होता है तो यार तुम इस पर क्यों नहीं फोकस करते इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन तो होते नहीं है थ्योरेटिकल होते हैं ये पहला चैप्टर है इसी एक चैप्टर से हमने देखा है कि छ से लेकर दस मार्च तक के क्वेश्चन आए हैं और वो भी थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो भी आए हैं तो बहुत छोटे छोटे तो हम इस पर क्यों ना फोकस करें तो बच्चे इस पर फोकस करो ना सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कशन है इस पर फोकस करो ये कंप्लीटली सब कुछ इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं होता आप इस पर फोकस करिए ना अब जरा देखोगे बच्चे उसके बाद चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप जरा देखिएगा जी प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चे लगभग इस दोनों चैप्टर को मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं ये 10 से 12 क्वेश्चन इसी दोनों चैप्टर को मिलाने के बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से इसी दोनों चैप्टर से आते हैं तो बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन इस दो चैप्टर से आते हैं बट इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है डर लगता है लेकिन है क्वेश्चन आसान आप ज्यादा परेशान मत होइए पीछे का प्रीवियस ईयर का 2006 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हैं कर जाइए और दूसरा सीएन चूट के स्टडी मेट के आप उसके क्वेश्चन को खाली सेट बी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सेट बी में उसको कर जाइए बच्चे 98 उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा और ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं होता नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन होता है बहुत आसान क्वेश्चन होता है तो बच्चे एक बात जरा बताओ 20 क्वेश्चन इधर और 12 क्वेश्चन इधर लगभग लगभग 32 क्वेश्चन आपका इधर से हो रहा है अब लास्ट में आपके तीन चैप्टर हैं तीन चैप्टर में बचता है बच्चे ये आपका कोरलेशन रिग्रेशन और इंडेक्स नंबर एक आपका है प्रोबेबिलिटी चैप्टर प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता करीब पांच से छह क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी में लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेरह क्वेश्चन आ जाए बेटा उसको इग्नोर कर देना टाइम मिलेगा तो करूंगा लेकिन लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है तो ये बात ध्यान रखें बच्चे सब कुछ करो लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होना और क्वेश्चन की सिलेक्शन सही नहीं होना तो हम कस् एग्जामिनेशन हॉल में उलझ जाएंगे हमारा दिमाग टेंशन से भर जाएगा और हमारी रिजल्ट ख़राब हो सकती है तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला काम और दूसरा काम है बच्चे क्वेश्चन की सिलेक्शन ये दो चीज़ अगर आप ठीक कर ले तो आप 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं एवरेज इतना आप ज़रूर कर सकते हैं फेल करने की पोलिटी आपकी कम हो जाएगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पर फोकस करके बता रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में आपका सबसे लास्ट में तीन चैप्टर बच जाता है ये तीन चैप्टर से लगभग आपके आठ क्वेश्चन आठ से दस क्वेश्चन पेपर में आते हैं कोरलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर है, है। इससे करीब चार से पाँच क्वेश्चन आते हैं बच्चे पाँच क्वेश्चन इंडेक्स नंबर से ही लगभग आजकल चार पाँच क्वेश्चन पेपर में आ रहा है लगभग चार पाँच क्वेश्चन पेपर में आ रहा है इंडेक्स नंबर से लगभग आपके चार पाँच क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं ठीक है हाँ जी तो बच्चे एक बाजरा देखो इसीलिए जब आपको अच्छा से तैयारी करनी है रिजल्ट लानी है तो स्टैटिस्टिक्स पर खूब जबरदस्त ढंग से पड़ जाइए पीछे स्टैटिस्टिक्स में आपने आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फॉर्मूला को देख डर लगता है लेकिन आप याद कीजिए मेरे क्लास में आपको मैंने फॉर्मूला भी याद रखने की कलाकारी सिखाई है लोग खाली क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो पढ़ाते नहीं है मैं आपको फॉर्मूला भी कैसे याद रखोगे इसकी भी कलाकारी सिखाई है ये भी टेक्निक बताया है तो यार उसको याद रखो ना तुम्हें बहुत फायदा होगा बहुत आसान होगा टफ कुछ नहीं है जी बहुत सब कुछ आसान है अब ये देखोगे चालीस मार्क्स का क्वेश्चन आप ये टारगेट रखकर चलो कि चालीस में चालीस मेरे को पेपर में ठीक तो लगभग आप एक टारगेट मानकर चलिए कि फोर्टी में फोर्टी हमें पेपर में आएगा अब उसके बाद जरा देखोगे इसकी तो मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रीजनिंग पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग है बच्चे और लॉजिकल रीजनिंग में जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी लॉजिकल रीजनिंग में एल आर वाला पार्ट है और इसमें आपके चैप्टर हैं चार और हर चैप्टर के ईच चैप्टर की वेटेज ईच चैप्टर और हर चैप्टर की वेटेज है फाइव मार्क्स हर चैप्टर की वेटेज कितनी है फाइव मार्क्स तो बच्चे एक बाजरा सुनोगे अब इस चैप्टर की ब्यूटी क्या है ठीक है बच्चे एल आर में आपको एक पजल जो पार्ट है सीटिंग अरेंजमेंट इसको छोड़ दी जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप पंद्रह में पंद्रह क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो ठीक है आपका जो एलआर का सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है वो आसान ही आता है ये नहीं कि बैंक पीओ के लेवल का पेपर में आपके नहीं आते ठीक है ग्रेजुएट लेवल एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल है उस लेवल का क्वेश्चन पेपर में नहीं आते आपके लेवल लो होते हैं तो अगर ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए हर चैप्टर की वेटेज है फाइव क्वेश्चन और सिलोजिज्म इस बार चैप्टर पेपर से हटा दिया गया सिलेबस से हटा दिया गया सिलोजिज्म जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग बच्चों को लगता था लेकिन हमने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने बुक बनाया था शायद ही उस तरह का बुक किसी के पास हो लेकिन बड़ी मैथमेटिकल ढंग से समझा समझा करके उस चैप्टर को बनाया था लेकिन वो चैप्टर ही हटा दिया ठीक है तो बच्चे हर चैप्टर की वेटेज यहाँ पर फाइव क्वेश्चन है अब जरा एक बात बताओ ना लॉजिकल रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज मान लेते हैं कि दो दो क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज से जो आसान नॉर्मली होता है कोई अगर मान लेता है टफ हो गया यार ठीक है मान लिया कि यह गलत हो जाएगा छोड़ दूंगा मैं कोडिंग डिकोडिंग तो आपसे हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग से कर लीजिए आप ऑड मैन आउट से कर लीजिए चार पांच क्वेश्चन है लगभग लगभग चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन आप कर सकते हैं डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से हो सकता है पांच क्वेश्चन आपके आसानी से मिल जाएंगे डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन और उसके बाद है ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके अच्छे से आते हैं अब जरा देखोगे तो इसलिए में 20 है, 20 में क्वेश्चन आप 15 से बीस मार्च हम उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 मार्च आपके आसानी से आ जाएंगे तो अब जरा देखो 40 और प्लस यह 15 से 20 मार्च लगभग आप 55 मार्क्स ये मानकर चलिए कि आपके 15 मार्क्स 55 मार्क्स तो इस दोनों से हम ले लेंगे और इसमें आपके समय लगेंगे कब बच्चे स्टैटिस्टिक्स में स्टैट्स में ये जो दो घंटे टाइम है ना टू आवर्स टाइम है इस टू आवर्स टाइम को आप बांट दीजिए और जहाँ देखिएगा जी इस टू आवर्स में स्टैट्स पर कितना टाइम देना है मैथ्स पर कितना टाइम देना है एल पर कितना टाइम देना है और मैथ्स पर कितना टाइम देना है ये बात ध्यान में रखिएगा ठीक है ठीक है जी तो अब जरा देखो बच्चे एक जरा सुनो स्टैट्स पर लगभग आपको 25 से 30 मिनट का टाइम देना है इससे ज्यादा टाइम मत देना 20 से 25 20 पच्चीस ए टारगेट रख के चलो कि 20 से 25 मिनट में हम पूरे स्टैट्स को कर लेंगे एल आर के बीस क्वेश्चन है इसका भी है करीब करीब 20 मिनट 20 से 20 मिनट के आसपास का टाइम लो 20 से 25 मिनट से ज्यादा कोशिश मत करो ये कोशिश करो कि इतना हो जाए मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा समय लगेगा मैं इसलिए कम करके बोल रहा हूँ कि सुनो इसलिए मैं कम करके बोल रहा हूँ कि बच्चे आप यहाँ पर कम टाइम रखोगे तो चांस दो चार पांच मिनट तो आपका बढ़ेगा ही तो फिर मैं कब कर लेगा मैथ्स में आपका लगभग लगभग आपका पचास करीब पचास मिनट के टाइम बचने होने चाहिए सब मिलाने के बाद आपके जो टाइम टोटल होना चाहिए एक घंटा पैंतालीस मिनट में ठीक है एक घंटा पैंतालीस मिनट में आपके पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए एक टारगेट रखकर चलो और एक घंटा पैंतालीस मिनट में अगर एक टारगेट रखकर चलोगे बच्चे तो पंद्रह मिनट का टाइम हमें रिवीजन के लिए भी मिल सकता है या कुछ क्वेश्चन करने के लिए मिल सकता है तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे ठीक है जी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ठीक है हेलो जरा एक जरैक जरा सुनो अब सब कुछ बताऊंगा बच्चे सब कुछ बताऊंगा आप चिंता मत कीजिए पहले तो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात बताओ कि आपको चैप्टर्स कौन कौन सेलेक्ट करनी है स्टैट्स एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है एल आर एल आर में चार ही चैप्टर है और चार चैप्टर के कंसेप्ट समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगता एल आर में लॉजिकल रीजनिंग में चार चैप्टर की कंसेप्ट समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगता कम से कम समय में हम उस चैप्टर की रिविजन कर लेते ठीक है अब जरा देखोगे अब जो भी समय लेगा मैथमेटिक्स में लगेगा बच्चे मैथ्स जिन बच्चों की मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उन बच्चों को है इस तरह से करना ही चाहिए लेकिन मैथ्स बैकग्राउंड है उनको भी ढंग से करना चाहिए नहीं तो वो दस पंद्रह क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे इस बार जो सुहानी थी जो इंडिया में है लगभग सेकेंड मार पोजिशन लाई उसकी भी स्ट्रेटजी अच्छी थी 84 फोर आउट ऑफ हंड्रेड इन मैथमेटिक्स ए, कम नहीं होता बहुत अच्छा हो, स्कोर होता है तो बच्चे एक बाजरा सुनो मैथ्स में आपको है टाइम मैनेजमेंट करनी है तो सबसे सबसे ज़्यादा फोकस देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन को छोड़िए मत रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता आसान क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके होते हैं वह अलजबरीकल एप्लीकेशन वाला होता है लैंग्वेज वाले कम होते हैं अच्छा बच्चे एक बाजरा सुनिएगा जी दूसरा बात इंडिसेस का क्वेश्चन है इंडिसेस जो क्वेश्चन है इंडिसेस बच्चे इंडिसेस अगर इजी आ गया इजी क्वेश्चन आया तो आप इसको करो अदरवाइज इसको इग्नोर करो बहुत बेकार बेकार क्वेश्चन भी आता है पेपर में कभी कभी अच्छा उसके बाद आता है तीसरा पार्ट है लॉगारिथम बच्चे लॉग का अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर करिए आ नहीं तो इस चैप्टर को भी इग्नोर कर दीजिएगा मैंने जो बताया हुआ है मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ ना कि जब भी तैयारी करना है मेरी नोट्स को सबसे पहले देख लो क्लास नोट्स उसको देखो बढ़िया से वो आपको हर चीज़ याद कराता जाएगा और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन किया हुआ है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा तो बच्चे एक बाजरा सुनिएगा जी अगर इजी आ जाए लॉक का तो आप करो अदरवाइज इसको भी इग्नोर कर दो अब रहा चौदह चौथा है बच्चे लीनियर इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों से लगभग चार से पांच क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ठीक है चार से पांच क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं इससे लगभग चार से पांच क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ठीक है हाँ जी बच्चे तो आपको क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अटेम्प्ट करना चाहिए कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत ही बेकार क्वेश्चन आ जाए कभी कभी बेटे 100 सौ क्वेश्चन में आप लगभग 80 क्वेश्चन आपके नॉर्मल होते हैं एवरेज होते हैं 20 क्वेश्चन पर कंपटीशन होती है 20 क्वेश्चन की है कि जो अच्छा कर लिया वो टॉपर बन गया 20 क्वेश्चन अगर वो ढंग से नहीं कर पाया तो बच्चे वो टॉपर नहीं बन पाया तो 20 क्वेश्चन टॉपर के लिए होता है तो बच्चे उस 20 क्वेश्चन के लिए अभी छोड़ते हैं हम लोग जो टॉप करने वाला है वो अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा ठीक है अब जरा देखो के लीनियर के बाद है बच्चे हमारा लीनियर गुटिजन ग्राफ से क्वेश्चन आता है यार उसको पढ़ना है देख लो हमने जो पढ़ाया है उससे अगर तेरा दिमाग चल जाएगा तो उस तरह से कर लेना नहीं तो बस देखेंगे बाद में नंबर है 6 नंबर में पांच नंबर तो ये बता दिया 6 नंबर में ये है सबसे बड़ा बहुत ज्यादा और वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑफ मनी बच्चे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस पर जरा सबसे ज्यादा फोकस करनी है बच्चे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लगभग लगातार 12 से 15 क्वेश्चन पेपर में आ रहा है ये 12 से 15 क्वेश्चन पेपर में आ रहा है ये बहुत बहुत मायने रखता है 55 क्वेश्चन एल आर प्लस स्टार्ट्स अब प्लस ए 12 से 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इसका मानकर चल लो ठीक है ये 12 क्वेश्चन ये मान लो तो बच्चे आपका रिजल्ट पहुंचा देता है 67 के आसपास अराउंड 67 सेवन तो आपके यहां पर तक पहुंच गया अब आपका दिमाग शांत रहेगा जैसे ही एल और स्टैट्स हो जाएगा आपका दिमाग कूल रहेगा शांत रहेगा परेशानी नहीं होगी कहोगे कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा अब ये जो 12 क्वेश्चन अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कर तो 67 तक पहुंच जाता है मैं ये नहीं कहता कि सब क्वेश्चन कर लोगे हो सकता है कुछ नहीं भी हो तो बच्चे ये आपको है पास के पास के लाइन के अंदर तो आप आ गए अब जरा देखो बच्चे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद चैप्टर आता है हमारा और वो आता है हमारा परमोटेशन एंड कम्बिनेशन पी एंड सी इससे चार क्वेश्चन पेपर में आता है मैं बार बार बता रहा हूं परमोटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर पर ज्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि सब बच्चों की बस की चीज नहीं है मैंने आपको हालांकि हालाँकिन एंड कम्युनेशन बहुत सारे बच्चों को बहुत लोगों को नहीं समझ आता है लेकिन मैंने आपको समझाया है और मैक्सिमम समझ में आई है अगर इजी क्वेश्चन आया जितना भी इजी क्वेश्चन आए इसको करिए जिस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने बताया है आप उसको करिए अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट लगता है तो बेटा समय बचाना याद रखिएगा तो आपको है इग्नोर कर देनी है अब आपके पास आता है सबसे लास्ट में बच्चे और वो है सीक्वेंस एंड सीरीज एपी एंड जी पी ठीक है जी एपी जी पी इसके क्वेश्चन बच्चे होते हैं यहां पर आपको है समझ देना होगा कि एपी जी पी के क्वेश्चन आप कितना अच्छे से जानते हैं इलेवन ट्वेल्थ का सब्जेक्ट है चैप्टर का है तो बच्चे इजी क्वेश्चन अगर सिंपल जिस तरह से जैसे टर्म निकालना हो सम ऑफ टर्म्स निकालना हो या कुछ टाइप का ट्रिक्स वाला टाइप का क्वेश्चन बताया है उस टाइप का हो जाए अगर उस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे तो जानते हो इससे लगभग लगभग चार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान कम कम ध्यान देना है अभी याद रखिएगा। ये आपकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो खूब समय लेगा आपका परमोटेशन एंड कम्बिनेशन है सीक्वेंस एंड सीरीज है ज्यादा समय लेता है तैयारी तो करने में तो बच्चे इसको है आप तैयारी करना है छोड़ना नहीं है आप करो देखो छोड़ना नहीं है लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनिएगा फिर मैं ये बोलूंगा कि नाइन्थ नाइन नंबर नाइन में जैसे देखो सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन इसको मत छोड़ो सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन के जो चैप्टर हैं बच्चे सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन इसके जो चैप्टर है लगभग चार से पांच क्वेश्चन आते हैं इसको मत छोड़िए ठीक है इसके क्वेश्चन आसान होते हैं थोड़ी सी कंसेप्ट आपका अगर ठीक है तो आसान होते हैं और आप इजीली कर सकते हैं ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होता ठीक है हाँ जी तो इसको आप जरूर पढ़िए सेट्स फंक्शन रिलेशन अब बच गए आपके और वो बच गए डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस इससे मिलाकर लगभग दोनों चैप्टर को मिलाकर पांच क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बच्चे मैं आपको अभी तक ग्राफ करीब करीब पचहत्तर अस्सी मार्च तक का बता दिया यहां तक का बता दिया इतना तैयारी अगर आप करके जाते हैं तो आप फेल नहीं करेंगे फेल नहीं करेंगे बच्चे आप जरूर पास हो जाएंगे ठीक ये तो मैंने आपको बता दिया चैप्टर सिलेक्शन नॉर्मल बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के लिए नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे तो हमारे अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनको तो हल्की सी पुषअप करो आकाश में उड़ेंगे नहीं हल्की सी पुषअप करो आकाश में उड़ेंगे जहां कहोगे वहां पर फाइट करेंगे तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है जो प्रॉब्लम है हमारे एवरेज स्टूडेंट के बच्चों को तेज बच्चों को पास करने की जरूरत थोड़ी होती है वो तो खुद पास है अपने आप लेकिन जो एवरेज बच्चा उनको पास कराना वो टफ काम है और उन्हीं के लिए मैंने ये स्ट्रेटी बनाया है कि आप क्या करेंगे तरीके से करेंगे ना तो आप जरूर पास हो जाएंगे फेल नहीं करेंगे तो एवरेज 80 मार्क्स तक का आपको है टारगेट करनी है एवरेज बच्चों के लिए फिर उसके बाद समय आपके पास अगर बचता है तो आप और लेंदी क्वेश्चन पर भी आप ध्यान दे दें ठीक है जी ठीक है बच्चे तो लेंदी जो क्वेश्चन है टाइम कंज्यूमिंग है अगर आपका दिमाग काम करता है लास्ट में समय बचता है तो आप जरूर करिए ये तो हो गया बच्चे चैप्टर की सिलेक्शन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे जरा जरा देखोगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चैप्टर सिलेक्शन के बाद बच्चे चैप्टर सिलेक्शन के बाद मैं आपको इसके आगे का पार्ट जरा देखो चैप्टर सिलेक्शन के बाद अब स्ट्रेटजी बनाइए जी आपको है टाइम देना है सभी चैप्टर देखो एक बात जरा सुनो पास करने के लिए हर सब्जेक्ट की जरूरत है इंपॉर्टेंस है पास करने के लिए सभी चैप्टर की इंपॉर्टेंस है तो बच्चे आपको है अकाउंट्स पर भी पूरा ध्यान देना है लॉ प्लस बी पर भी पूरा ध्यान देना है बी एम पर भी ध्यान दे देना है और उसके बाद है इको एंड बी के पर भी ध्यान देना है ये सभी पर ध्यान देना है अब आपकी तैयारी कैसी है ये देखने वाली बात है सभी में मिनिमम आपको 40 मार्क्स सभी में 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए ठीक है लेकिन एग्रीगेट आपको मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए बच्चे ठीक है मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए अगर 200 से कम मार्क्स लाएंगे तो आपके रिजल्ट रुक जाएगी ठीक है ना जी हाँ जी तो एग्रीगेट नहीं होगा तो रुक जाएगी तैयारी कैसे है जरा देखो बच्चे पास करने के लिए इस चार पेपर में से दो पेपर आपके बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसी के पेपर है वह बहुत ही अच्छा पेपर है बच्चे बड़ी स्कोरिंग पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर है आप इसको 100 के करीब तक ले जा सकते हैं 90, 95, 100 के आसपास तक ले जा सकते हैं ये आपके ए स्कोर मिनिमम जो 200 है ना इसको वहां तक पहुंचाने में काफी हेल्प करेगा तो बीसी के और इकोनॉमिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस करनी है बच्चे एक बाजरा सुनो हमारा ये जो मैथमेटिक्स है जिनकी जिससे सबको डर लगता है इतना पढ़ाने के बाद इतना आराम आराम से समझाने के बाद करने के बाद भी बच्चों को मैथ्स में ही डर लगता है कॉन्फिडेंस फिर भी लूज रहती है सभी की मैक्सिमम की जो तेज़ हमारे बच्चे हैं उनको तो कोई गम नहीं है वो तो बस लड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन ओवर एवरेज बच्चों के लिए बोल रहा हूँ और उन्हीं एवरेज बच्चों के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बनाकर बताया है कि आपको तैयारी कहाँ कहाँ पर करनी है कोई चैप्टर अगर मान लेते हैं आपने तैयारी नहीं किया पढ़ा ही नहीं छोड़ दीजिए उसको भूल जाइए वो चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है मान लो लेकिन जो कुछ भी पढ़ा है उसी को रिवीजन करना है देखिए एक बात जरा सुनो पेपर दे रहे हो आपने एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो मैं लगेगा कि यार हर चीज़ आता है हर चीज पढ़ा हुआ है लेकिन कर नहीं पाते इसका एक ही कारण है आपने प्रैक्टिस नहीं किया है रिवीजन अच्छा से नहीं किया है रिवीजन अगर किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती तो इसलिए रिवीजन ज़रूरी है पेपर से पहले आपको रिवीजन ज़रूरी है अच्छा बच्चे मैथ्स के लिए मैंने बोल दिया है आपको लॉ एंड बी में लॉ एंड बी में याद रखिएगा दोनों को मिला करके आपको चालीस मार्क्स चाहिए अकेला हमें लॉ में चालीस नहीं चाहिए अकेला बी में चालीस नहीं चाहिए दोनों को मिलाकर कर फोर्टी मार्क्स चाहिए बच्चे लॉ तो बहुत ज़रूरी है ही और बी भी बहुत जरूरी है और इसको है कि आप ढंग से लिखने की आदत डालिए प्रेजेंटेशन आपकी कितनी अच्छी होती है बहुत ज़्यादा नहीं लिखना कम लिखना और टू द पॉइंट लिखना अगर ये काम करते हैं तो आपके ज़्यादा ज़्यादा अच्छा स्कोर होंगे ठीक है कॉपी पे कॉपी और पेज पे, पे पेज भरते चले जाएंगे लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होगा पॉइंट्स कुछ भी नहीं होगा तो याद रखिएगा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा तो अच्छा स्कोर के लिए आपको टू द पॉइंट आंसर देने पड़ेंगे ठीक है अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो अकाउंट्स है वो आपका कोर सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स आपका मेन सब्जेक्ट है आप इसकी है कि जितना बेहतर तैयारी कीजिए वह कम है तो बच्चे इस पर पूरा फोकस करिए आप सब में है अगर मान लेते हैं कि सभी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव को करो ही करो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लीजिए जो भी इजी अब मैं फिर बोलूंगा कि बच्चे अटेम्प्ट जो करना है क्वेश्चन में वह अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है जरा देखिएगा सबसे पहला बात क्वेश्चन का सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बच्चे एक बाजरा सुनो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हर पेपर के लिए बोल रहा हूं आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उस पर टिक लगाते चले दूसरा बात जरा बताओ उससे है कि एवरेज क्वेश्चन जो भी एवरेज क्वेश्चन है आप उसको करिए आपका ये है कि आप कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है आपकी इतना कितना अच्छा मार्क्स आ रहा है उससे मतलब है मार्क्स से आप पास होते हैं ज्यादा लेंदी क्वेश्चन एक ही करो और पूरा टाइम खत्म हो जाए तुमने ही अकेला ऐसा बच्चा है जो एक लेंदी क्वेश्चन को बनाया और किसी ने नहीं बनाया लेकिन क्या आप पास हो जाओगे नहीं तो पास वो बच्चे होंगे जो इजी ज्यादा नंबर ऑफ स्कोर्स दिए वो पास होंगे तो बच्चे उस क्वेश्चन पर आपको फोकस करनी और जो आपके पास लेंदी क्वेश्चन आए आप उस पर सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में आप अटेम्प्ट करें लास्ट में सोचें ठीक है लास्ट में आप सोचिए उसके लिए आप मत लिखिए कुछ भी मत सोचिए तो इससे होगा कि आप है सेफ मोड में रखोगे हमेशा सेफ मोड में रहोगे ठीक है हमेशा सेफ मोड में रहोगे टेंशन नहीं रहेगा दिमाग में और पास होने की चांस जो है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बच्चे एक बात जरा देखो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखो अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हो गया आप कैसे क्वेश्चन की सिलेक्शन करेंगे वो हो गया हमारे बिजनेस मैथमेटिक्स में बच्चे एक बात जरा सुनो हेलो बिजनेस मैथमेटिक्स में साइंस स्टूडेंट बच्चे हैं बच्चे जरा देखिएगा जी मैंने आपको टेक्निक बता दिया कि आप इजी क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे मैंने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन पर फोकस कीजिए एवरेज क्वेश्चन पर फोकस कीजिए टू द पॉइंट आंसर दें फालतू की बातें ना लिखें कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करें यही है ब्यूटी ऑफ आंसरिंग है ठीक है अब जरा देखो लेंदी क्वेश्चन है जो ज्यादा लेंदी टाइम लगने वाला क्वेश्चन है उसको है लास्ट में है करेंगे ठीक कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपने करना शुरू कर दिया और करते करते है लास्ट में फंस गए अगर आपको महसूस होता है कि नहीं इसमें और ज्यादा दिमाग लगेगा तो बच्चे वहां पर क्या करोगे ज्यादा दिमाग लगने के चक्कर में आपका दो चार सवाल छूटने का डर रहता है वैसे केस में बच्चे हमें उस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए वहीं पर जितना मार्क्स देना होगा स्टेप मार्किंग उतना दे देगा ठीक है समय मिलेगा तो लास्ट में देख लेंगे लेकिन बच्चे टेंशन में नहीं रहना आपको आंसर देना है तो आंसर अच्छे से देना है अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिए एक तो हो गया क्वेश्चन सिलेक्शन बच्चे अब क्वेश्चन सिलेक्शन के बाद जरा देखोगे हमारे जो बिजनेस मैथमेटिक्स है बिजनेस मैथमेटिक्स में और जो भी थ्योरेटिकल पेपर है सॉरी ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है कि मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं ऐसा नहीं कि एल का अलग जैसे कि हमारे मॉक टेस्ट पेपर में सबको है अलग अलग करके पेपर बनाया जाता है मैथ्स का अलग रीजनिंग का अलग स्टैट्स का अलग लेकिन हमारे जो पेपर आते हैं एक्चुअल जो पेपर आते हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं मिक्सड क्वेश्चन होते हैं बच्चे अब वहां पर हमको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम करें तो क्या करें तो यहां पर बच्चे सावधान अब मैं आपको यहीं पर बोल रहा हूं कि क्या करना चाहिए जब मिक्सड क्वेश्चन होंगे और उसके बाद क्या है मैथ है फिर स्टैट्स है रीजनिंग है सारे के सारे मिक्स करके हमारे पास क्वेश्चन आ गया अब उस केस में हम लोग करें तो क्या करें तो बच्चे उस केस में हम क्या करें तो आप क्वेश्चन को ढूंढने में जो ढूंढोगे सम, तो समय तो लगेगा ना स्टैट्स देखोगे कहाँ स्टैट्स है एलआर का कहाँ है मिल तो जरूर जाएगा आप उसको है हाईलाइट करके आप कर लोगे समय लगेगा ना तो एक तरफ से इजी क्वेश्चन को देखना शुरू कर दो यहाँ एक क्वेश्चन एक तरफ से इजी क्वेश्चन को देखना शुरू कर दो सबसे ज्यादा फोकस स्टार्स का क्वेश्चन मिलता है पहले करो टिक लगा दो ऐसे हल्का पेंसिल से ठीक और उसके बाद करते हुए स्टार्स का है रीजनिंग का है जो भी क्वेश्चन है एक तरफ से करते चलिए मैथ्स का भी है एक तरफ से करते चलिए इजी क्वेश्चन करिए टफ क्वेश्चन मत कीजिए ज्यादा समय लगने वाला क्वेश्चन है उसको अभी छोड़ते जाइए करने के बाद जरा देखिएगा आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर दो है क्वेश्चन नंबर तीन है ये सभी क्वेश्चन नंबर है उसके बगल में आपको लिखना अलाउ नहीं है लेकिन आप हल्का सा शॉर्ट पेंसिल से आप डॉट कर सकते हैं आप डॉट कर सकते हैं हल्का सा लाइट पेंसिल से आप ऐसे कुछ कर लो या ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये करते जाना ठीक अब तब उसके बाद है आगे बढ़ोगे तो बच्चे एक बात जरा सुनो इससे समय बचेगा हमारा आ नहीं तो ढूंढने में समय ज़्यादा लग जाएगा तो इजी क्वेश्चन को करते चलना है जो लेंदी क्वेश्चन लगे उसको बस छोड़ देना है आगे बढ़ते जाना है एक बात जरा सुनिए और बड़ी क्योंकि ये पहले नहीं आता था सीपीटी में ऐसा नहीं होता था मैथ्स का अलग का अलग करके देता था लेकिन जब से सीए फाउंडेशन हुआ है उसमें सबको मिक्स कर दिया यानी कि लो अब करो तो यहां पर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क बढ़ गया पहले उतना रिस्क नहीं होता था अब ज्यादा रिस्क बढ़ गया क्वेश्चन की लेवल जो होती है बच्चे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होती इस बार का क्वेश्चन जो था जुलाई वाले जो क्वेश्चन थे और लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था करीब बीस क्वेश्चन की लेवल हाई थी लेकिन बाकी सभी का लेवल एवरेज था पढ़ने में समय ज्यादा लगता था आप जितना फास्ट पढ़ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं उसी में आपका फल है अभी इंडेक्स नंबर में एक ही क्वेश्चन को चार क्वेश्चन पूछा था एक क्वेश्चन को करो चार का आंसर मिलेगा तो बताओ टफ नहीं था आसान था तो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी वो पास हो गए जिनकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी थी वो रुक गए तो बच्चे एक बाजरा सुनिएगा जी तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बार बार बोल रहा हूं कि इजी क्वेश्चन को करते चलो आपका समय बचेगा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि सुनिए जैसे ओएमआर सीट मिला ये ओवल है ओवल की सेटिंग तो बच्चे सबसे पहली बात है एग्जामनेशन हॉल में एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा करीब करीब आधा घंटा पहले पहुंचना चाहिए नहीं तो कभी कभी ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर देते समय पेपर स्टार्ट होने के बाद पहुंचते, अपना टाइम पहले ही वेस्ट कर लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको है आधा घंटा पहले पहुंचना, है ठीक रिलैक्स वगैरह सब कुछ हो करके और तब है कि आप क्या करिए ओ एम आर सीट ओ एम आर सीट इसको पहले फिल कर लीजिए अच्छी तरह से टेंशन फ्री होकर फिर आप रेडी रहेंगे रेडी रहेंगे जब फिल हो जाएगा जैसे टाइम स्टार्ट होगा आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और तब क्वेश्चन देना शुरू करेंगे ठीक बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप क्या करेंगे जैसे कि करते चलिए इस पर है टिक लगा दिया मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन का ओ एम सीट में ऐसे है ये आंसर है टिक लगा दिया तो टिक लगा देने से आपका काम नहीं बनेगा इसको सेडिंग ओवल को सेडिंग करने में भी वक्त लगता है ओवल को सेडिंग करने में भी वक्त लगता है तो साथ साथ चलते रहिए ठीक है साथ साथ चलते रहिए ओ एम आर सीट के नीचे मोटा थोड़ा सा अगर मान लेते हैं कि पेपर अगर एक दो हो जाए क्योंकि सीट तो आपका है कि टेबल जो होगा वह प्लेन होगा और वहाँ पर क्या करोगे पेंसिल से रब करोगे ए, पेंसिल से सेट करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा समय लग जाती है तो अगर एक दो पेज अगर मान लेते हैं कि पेपर का हो जाए तो आपको है कि सेटिंग करना आसान हो जाएगा और ओ एम आर सीट फटने की डर नहीं रहेगी तो ओ एम आर सीट को क्वेश्चन पेपर रख पर रख कर आप उसको सेटिंग करेंगे आ नहीं तो एम आर फट जाएगा तो पर फिर गए दूसरी बात ज़रा देखोगे सेटिंग करनी है पूरी ढंग से एक ओवल को सेटिंग करने में लगभग पाँच से सात सेकेंड समय लगता है आप उसको जितना कम कर सकते हो वो आपका टाइम सेविंग है बच्चे उस लिए पे, पेंसिल को ये पेंसिल है ना ये पेंसिल ये जो पेंसिल है बच्चे इस पेंसिल की पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं करनी अन्ना बहुत ज़्यादा मोटा करनी है ओ एवरेज रखना है और प्रैक्टिस अभी से कीजिए प्रैक्टिस ओ एम आर सीट जरा देखिएगा जी प्रैक्टिस मैं ओ एम आर सीट अपने यूट्यूब के कम्युनिटी ब्लॉग में डाल दूँगा ठीक है हाँ जी आप वहाँ से प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा दस आठ दस पंद्रह जो भी है और घर पर बैठ कर आंसर करें जैसे सौ क्वेश्चन आपके सामने आ गया दो घंटे का टाइम सेट कर लो दो घंटे में आपको करना है और उसी का ओ एम की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो जब प्रैक्टिस रहेगा तभी उस समय हमारा टाइम बचेगा और नहीं अगर एट रैंडम पेपर देने जाओगे तो वही समय आपका जितना लगना है दो चार पांच क्वेश्चन आपको इस चक्कर में छूट सकता है इसके टाइम ज्यादा लगने के कारण छूट सकता है तो बच्चे समय बचाना है और इसलिए ओ एम की पर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए आप दस क्वेश्चन भी करते हैं उसको करिए और ओ एम पर ठीक कीजिए ठीक है बच्चे एक बाजरा सुनोम सीट पर है आपको टाइम कैसे बचाना है वो मैंने आपको बता दिया ठीक हाँ जी <coughs> बच्चे एक बाजरा सुनो एक तो मैंने आपको सीट सब पर बता दिया अब जरा देखिएगा जी पास करना है पेपर खत्म होने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन की डिस्कशन करते थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल कर लो मान लेते हैं कि क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है आपने किया और आपने किया मान लेते हैं ऑप्शन ए ठीक किया और डिस्कशन करने के बाद पता नहीं ये तो गलत है उसका होना चाहिए था बी आपका टेंशन बढ़ जाएगा कहो कि ये मेरा गलत हो गया मैं मेरा इसी तरह से दूसरा करोगे उसमें भी ऐसा ही हो जाए दस पंद्रह अगर गलत पता चल जाए तो क्या होगा आपके दिमाग पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा कि यार मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा तो इससे होगा क्या आगे का जो आने वाला पेपर है वो खराब होने की डर लगती है यार खुश रहोगे तभी तो पेपर दोगे टेंशन में कोई काम थोड़े होता है तो पूरी एनर्जी के साथ जब काम करोगे तब तो आउटपुट का मजा ही कुछ अलग होता है तो बच्चे ये टेस्ट क्वेश्चन करने के बाद है रफली अगर डिस्कशन किया तो किया ज्यादा सीरियसली मत लीजिए पेपर देने के बाद है अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए ये जब चार दिन खत्म हो जाए चार दिन फोर डेज पेपर खत्म हो जाए तब आप डिस्कस कीजिए उसके आगे आप डिस्कस करो पहले डिस्कस मत करो पहले अगर डिस्कस करोगे तो वही टेंशन पैदा होगा ठीक तो बच्चे हो सकता है ऐसा हो सकता है कि हमारा यह पेपर अगर थोड़ा सा खराब गया तो मैं अभी एफर्ट्स लगाऊंगा तो कल वाला पेपर मेरा अच्छा हो सकता है और कल वाले के कारण मेरा एग्रीगेट ज्यादा अच्छा हो सकता है तो मैं कल के बारे में क्यों ना सोचू अभी के बारे में अभी तो जो हो गया था हो गया अब कल के बारे में सोचना है तो कल के बारे में सोचो ना परेशान क्यों होंगे? तो इसलिए है चार दिन के बाद अपने दोस्तों से आप डिस्कस कर सकते क्योंकि जो होना अब आगे तो पढ़ना नहीं है चार दिन के बाद चार दिन के बाद तुम तो मस्ती करोगे तो चार दिन के बाद जब मस्ती करोगे तो फिर उस समय डिस्कस कर लो अगर टेंशन भी होगा तो कोई बात नहीं है ठीक है मूड खराब भी होगा तो कोई बात नहीं है लेकिन बेटे बीच में डिस्कशन मत किया करो कुछ कुछ लोग जो होते हैं प्यारे दोस्त होते हैं अपने दोस्तों की रिजल्ट खराब करने में बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंस रोल करते हैं कहते यार उसको उल्टा बता दो कि उसको टेंशन हो जाए वो फेल हो जाए थ्री इडियट मूवी नहीं देखा था खुद फेल हो गया उसकी तकलीफ नहीं थी उसको लेकिन उसका जो दोस्त है वो टॉप कर गया उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ थी है ना तो ये नेचर है स्टूडेंट की क्या सबकी नेचर है ये खाली तुम्हारी और हमारी सबकी नेचर यह है ठीक है तो ये जेलसनेस जो है वो भगवान ने दिया हुआ है तो बेटा इससे ऊपर उठ जाओ डिस्कशन करना है बाद में कर लेना पेपर देने के बाद सारा पेपर जब खत्म हो जाए तब पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद बढ़िया से बस मस्ती कर लो खूब बढ़िया से मूवी देखो घूमना फिरना जो भी करना है कर लो ठीक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बड़े जीनियस होते हैं कॉन्फिडेंस उनकी हाई होती है और पेपर देने के तुरंत बाद सीए इंटर की तैयारी शुरू कर देते हैं सीए इंटर की तैयारी शुरू कर देते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका पेपर ख़त्म हुआ पेपर ख़त्म होने के बाद वो तैयारी शुरू कर दिए इससे उन बच्चों को फायदा क्या हुआ बच्चे उन बच्चों को ये फायदा हुआ कि रिजल्ट से पहले एक या दो चैप्टर एक या दो सब्जेक्ट को पूरा कर लिए रिजल्ट से पहले देखिए रिजल्ट तो आएगा आपका फेबर में रिजल्ट कब आएगा फेब में आएगा पंद्रह फेब को आ जाए बीस फेब को आ जाए पिछली बार भी पेपर का रिजल्ट आया था करीब करीब इसी तरह से फेब के में आ जाए, ठीक है, तो रिजल्ट तो रिजल्ट उस समय आएगा, पेपर आपका खत्म होगा करीब करीब दिसंबर को तो दिसंबर में आपका पेपर खत्म हो जाएगा अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो लगभग आपके दो महीने के बाद रिजल्ट आएंगे अब ये दो महीने का टाइम कुछ बहुत सारे बच्चे मैं सबकी बात नहीं कहता बहुत सारे बच्चे वो क्या करते हैं सीए इंटर की तैयारी शुरू कर देते हैं हमारे यहां टू फेस इंटर की तैयारी होती है फेस टू फेस घर पर बैठ करके मन नहीं लगता कोचिंग में आ जाओ बैठ कर दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ो आमने सामने इंट्रेक्शन होगा दिक्कत होगी टीचर से पूछो तो बच्चे एक बाजरा सुनो दो महीने में आप एक दो सब्जेक्ट का बहुत आराम से 100 परसेंट नहीं तो करीब करीब 80 परसेंट चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं और जब इतना हो जाएगा तब रिजल्ट के बाद आपके दो चैप्टर अगर निकल गए तो दो सब्जेक्ट अगर निकल गए तो बहुत आराम होगी रिवीजन करने में और फिर आपके पास समय बचेगा तो आप दोनों ग्रुप एक ही बार में दे सकते हैं दोनों ग्रुप एक ही बार में दे सकते हैं तैयारी हो सकता है एक ग्रुप है तो एक ग्रुप है दे सकते हैं तो एक ग्रुप दो लेकिन दोनों हो सकते हैं मैंने बोला नहीं कि हो जाएगा हो सकते हैं तो बच्चे एक बाजरा सुनो ठीक है तो इसलिए दो महीना भी आप यूज करना चाहते हैं तो कर लीजिए नहीं तो दो महीना मस्ती कीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लगता है कि रिजल्ट मेरा ठीक नहीं होगा तो यार तुम देखिए रीज्वाइन आप लेट मत करो फिर दोबारा तैयारी कर दो मेरे अटैम्प्ट के लिए याद रखिएगा एक छोटा सा मैं बात बताऊं कि तुम मैं ये बात बता देता हूं कि जब रास्ते पर आप चल रहे होते हैं तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर चलना शुरू किया यहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया यहाँ तक पहुँच गए मंजिल अभी भी दूर है यहां पर आपके पास है एम है रिजल्ट यहां पर है अब यहां से वापस जाना आपके पास थोड़ी दूर है और यहां से अब रिटर्न हो गए लक्ष्य मतलब टारगेट को चेंज करोगे तो सारा यहां से यहां तक गया हुआ बेकार हो गया फिर दूसरा कोई भी अगर स्टार्ट करोगे उस जिसकी एम यहां पर है टारगेट यहां पर है तो यहां से फिर स्टार्ट करोगे तो फिर उसमें भी तो समय लगेगा बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता ये बच्चे सोचते हैं कि छोड़ो यार ये नहीं करेंगे वो कर लेंगे यार कोई भी काम करो मेहनत लगता है बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता तो बच्चे इस तरह से करो ना तो आपका है रिजल्ट जरूर आ जाएगा अब जरा एक बात जरा सुनो हेलो देव गुप्ता अथर्व एक क्या एडवर्टीजमेंट है जी हाँ जी बच्चे एक जरा सुनो तो मैंने आपको बता दिया कि पेपर देना है तो पेपर देना है तो कौन कौन सा चैप्टर का क्या क्या करना है सो so, प्लस इसके पीरियड में आपको क्या करना है एग्जामिनेशन हॉल के समय में क्या कब जाना है एक दो बात और है एडमिट कार्ड है एक दो बात है लिस्ट बना लो कि हमें क्या क्या ले जाना है आप अपने कॉपी में लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या ले जाना है आपके एडमिट कार्ड में है सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या चाहिए एडमिट कार्ड चाहिए आपके पास पेंसिल चाहिए रबर चाहिए शॉपनर चाहिए कौन सा पेंसिल चाहिए कौन सा पेन चाहिए हर चीज़ लिखा होता है आप लिस्ट बना करके उस लिस्ट का पूरा पूरा एक छोटा सा हल्का पर्स नहीं होता है जिसमें हम पेंसिल पेन वगैरह सब कुछ रखते हैं वो ले जाइए एडमिट कार्ड भूल मत जाना एडमिट कार्ड पर फोटो है कि नहीं है वो देख लेना ठीक है एडमिट कार्ड पर फोटो है कि नहीं है वो देख लेना पेपर से एक दिन पहले आपको अपने सेंटर विजिट होनी चाहिए जहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है ना उसकी विजिट होनी चाहिए क्योंकि ऐसा होता है कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर नहीं देखा हुआ कहा कि मैं जाऊंगा ढूंढ लूंगा ठीक है ढूंढ लेंगे और उसके बाद जब लेट हो जाता है तो दिक्कत होती है एक दिन पहले चले जाओ ना यार चले जाओ ठीक है और वहां पर जा करके बस देख करके आ जाओ फिर तुम्हारे डायरेक्शन वगैरह सब कुछ पता होगा कोई दिक्कत नहीं होगा जी ठीक है जी हो गया तो बच्चे एक जरा सुनिए तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको है कि सेंटर विजिट करनी चाहिए सेंटर विजिट करके जाइए फिर दिक्कत नहीं होगा दूसरी बात एक जरा सुनो अगर बस वगैरह से जाना है सेंटर पर तो आधा घंटा पहले चलिए कि आप समय पर पहुंच जाए नहीं तो बस वाले हैं कि टाइम आपका ले लेंगे और जब सेंटर तक पहुंचने में आपको लेट ना हो जाए तो इसका सबका बात ध्यान रखना है आपको लेट किसी भी तरीका से होना नहीं है ये बात ध्यान रखना और सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचना है टेंशन फ्री रहोगे आ नहीं तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रिजल्ट को खराब कर सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ अब एक बच्चा था मैं आपको बताऊँ बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था एकउंट्स का सभी क्वेश्चन कर लिया और उसको फिल करने के लिए मात्र पाँच मिनट टाइम बचा था आधा के आसपास कर लिया और उसके बाद गार्ड जो थी मैडम थी उसका पैर भी पकड़ लिया लेकिन मैडम ने नहीं छोड़ा कहा कि टाइम ओवर हो गया अब हमें सीट ओ एम सीट लेना ही पड़ेगा ओ एम सीट ले ली बच्चा रैंक होल्डर बन सकता था लेकिन वह बच्चा सिंपली पास कर पाया सिंपली पास कर पाया तो ये छोटी सी जो गलतियां होती है ना एक गलती आपके रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट डालता है तो इसलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा टाइम मैनेजमेंट का नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी एक और बच्चा था जिसका है सेंट लॉरेंस में सेंटर पड़ी थी बच्चा रात रात भर पढ़ा सोया ही कितने बजे पाँच बजे पाँच बजे उसको नींद आ गई और उसके बाद खूब बढ़िया से सोने लगा सो गया पेपर है दस बजे पेपर है दस बजे और उसकी दस बजे नींद खुलती है अब बताओ क्या होगा सेंटर पर जाते जाते लेट हो गई कोई एक्स्ट्रा टाइम थोड़े दे देगा तो इसका मतलब है कि पेपर से देने से पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए ठीक है इतना नहीं कि बस रात रात भर पढ़ने के चक्कर में रह जाओ और पेपर के समय पहुंचो ही नहीं तो वो भी गलत है तो इसलिए नींद पूरी होनी चाहिए दिमाग फ्रेश रहेगा तभी आप आंसर दे पाओगे आ नहीं तो बस हो गया रात रात भर जगे रहो और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर सो जाओ ये सब है बच्चे जो हमारे रिजल्ट को बैडली इफेक्ट करता है वो सारी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ठीक हाँ जी एक और बच्चा था जो हमारे पास आया और वो बच्चा का क्या था कि एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं थी पेपर अभी है आज है और उसके बाद फोटो ढूंढ रहा है और फोटो चिपका रहा है उसके बाद पेपर देने जा रहा है तो ये सब जो कमियां है बच्चे उसको पूरा कर लिया करो पहले ये नहीं तो फिर उस समय है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तो ऐसे ऐसे बच्चे को अच्छे बच्चे भी इसमें है फंस जाते हैं तो ये सब नहीं लेजिस्ट नहीं हो कि नहीं मैं कर लूंगा ऐसे हो जाएगा या फिर दोस्त को कह दिया कि तुम एक कर देना बेटे दोस्तों पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त दोस्त दुश्मन जो होते हैं वह दोस्त ही होते हैं सबसे बड़ा दुश्मन दोस्त ही होते हैं जिनकी जिनकी रिपॉन्स बहुत ज्यादा नोकदार होती है चुपती है तो बहुत ज्यादा दर्द करता है तो बच्चे इसलिए याद रखिएगा काम अपने आप खुद किया कीजिए दोस्तों के भरोसा से नहीं ठीक है ना जी दोस्तों के भरोसा से नहीं अपने खुद का कीजिए चलो बच्चे इतना तो बात मैंने बता दिया बहुत सारी बातें बता दी आपको मैंने ठीक है हाँ जी एडमिट कार्ड वगैरह कब तक आ जाएगा बेटा अब एडमिट कार्ड कब तक आएगा नहीं सारी ऑनलाइन होती है और उसको आप क्या कीजिए डाउनलोड कीजिए उसके बाद डाउनलोड करके उस पर सिग्नेचर वगैरह की ज़रूरत होगी तो कराइए नहीं तो लेके जाइए सीधे सेंटर पर अब तो है कि आपके पास कुरियर से ऑफिस घर पे पहुंचेगा ये होगा वो होगा ज़माना बहुत बदल गया ठीक डाउनलोड करिए पेपर से पहले और उसके बाद है कि आप पेपर देने जाइए सेंटर का पता आपको चल जाएगा उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है कि हाँ पेपर के तीन चार दिन पहले तक नहीं आया पोर्टल पर नहीं है एडमिट कार्ड हो ही नहीं रहा तब आप सी एन चूट को संपर्क कर सकते हैं ठीक लेकिन आप पहले है करीब आठ दस दिन पहले आप जरूर डाउनलोड करके उसकी आउट निकाल लीजिए और उसकी है कि दो कॉपी रखिए बढ़िया सा और उसको लेमिनेट वगैरह करके ले जाइए ठीक है हाँ जी तो ये सब पॉइंट है आपको कि आपके रिजल्ट पर जो बैड इफेक्ट डालता है वो सारी बात मैंने आपको बता दिया रिजल्ट पर ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके रिजल्ट को खराब करते हैं वो सारी बात बता दिया तैयारी करनी है अब उस पर आ जाइए बच्चे तैयारी करनी है तो बच्चे मैंने आपको बता दिया कि अभी लगभग 25 दिन समय बचा हुआ है 25 दिन नहीं मान लीजिए आप 13 और इधर 13 26 25 दिन मान लीजिए 25 दिन में आप देख लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है एवरेज आपका 10 से 12 घंटा स्टडी डेली होनी चाहिए पढ़ने का जो स्लॉट है बच्चे पढ़ने का जो स्लॉट है वो स्लॉट आपको है कि बहुत अच्छी तरह से रखनी है बच्चे स्लॉट बनानी है एक बार में आप बैठ पढ़ो तो लगभग है कि ढाई से तीन घंटा तीन घंटा लगातार पढ़ो पर पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं ये सब नहीं ये पढ़ाई आपका ढाई से तीन घंटा होना चाहिए आप उसके बाद है आधा घंटा के आसपास का थर्टी मिनट्स का ब्रेक दे दीजिए खाना पीना मस्ती करना जो करना है आप कर लीजिए तो इस तरह से है चार स्लॉट कम से कम बना लो चार स्लॉट बना लो तो इससे होगा कि आपका दस बारह घंटा निकल जाएगा अगर मान लेते हैं हमारे यहाँ दिल्ली में रहते हैं तो बेटे लाइब्रेरी फैसिलिटी है हमारे यहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी है बच्चे तो अकेले जब पढ़ते हैं बच्चे तो बोर हो जाते हैं दो अगर अच्छे दोस्त मिल जाए ना तो बच्चे पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है एक तो थकावट नहीं होती टेंशन नहीं होता नींद नहीं आता और सफ़र बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं देखो जैसे काम कर रहे हैं कहीं अगर मान लेते हैं कहीं मंदिर पर जाना है मंजिल पर जाना है दूर है पैदल जाना है तो एक बार एक झुंड में दो चार लोग चले जाते हैं गाना बजाता हैं करते हुए चले जाते हैं मतलब है कि दिन दिन भर तक चलने के बाद पैदल चलने के बाद भी उनको थकावट महसूस नहीं होता खुशी महसूस होता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो बेटा यही चीज एग्जाम्पल यहां पर ले लो आप अगर दो दोस्त अगर ढंग का हो कि एक दोस्त पढ़ने वाला और दूसरा सोने वाला ऐसा दोस्त नहीं वो सब बेकार है अगर सोने वाला होगा तो तुम पढ़ोगे और दूसरा कहेगा कि तुम चुप चप लाइट बंद करके सो जा मेरे नींद खराब हो रहा है ऐसा दोस्त नहीं चाहिए आपका दोस्त होना चाहिए कि अगर तुम पढ़ते हो तो वो भी तेरे साथ पढ़ते रहे तुम्हारे साथ एक एक सवाल का एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके करते रहे इस तरह से करोगे तब मज़ा कुछ आता है बहुत पहले की बात है बच्चे करीब टू थाउजेंड थ्री फोर की बात है तीन बच्चे थे और तीनों बच्चे हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा जीनियस था एक और नेपाल का बच्चा था वो भी था ये दो और एक और लड़का था ये तीनों जमकर पढ़ते थे तीन में से एक का तो हुआ कि इंटरमीडिएट निकालने के बाद पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि उसके ऊपर बहुत फैमिली का लैबिलिटीज था तो पढ़ाई हाँ छोड़ दी दूसरा जो नेपाल का स्टूडेंट था वह बच्चा सीए क्वालीफाई कर गया तीसरा से नहीं हो पाया वो पढ़ता था दिन दिन भर पढ़ता रहता था एक बार दो घंटे तीन घंटे पढ़ा पढ़ने के बाद निकला लाइब्रेरी से और उसके बाद जा करके चाय पानी पिया नाश्ता किया इधर उधर घूम फिर किया एन्जॉय किया आधा घंटा पैंतालीस मिनट बीत गया फिर लग गया इस तरह से होता है एक दूसरे को मोटिवेशन मिलती है और तब जाकर जमकर पढ़ाई होता है यार आउटपुट जबरदस्त आता है पढ़ने के पीरियड में बेटा नया कुछ नहीं पढ़ना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिविजन करनी है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है रिवीजन ही अभी काम देगा आप नए कितने भी पढ़ लो वो हमें काम नहीं देगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन काम देगा आप कितने अच्छा रिवाइज करते हैं वो काम देगा रिवाइज करने की टेक्निक आप समझ लीजिए ढंग से एक बार तो आपका पूरा पढ़ा हुआ है दूसरा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सरसरी निगाह से देखिए जो थोड़ा सा एवरेज दिक्कत वाला है उसको क्वेश्चन को बनाइए इस तरह से करते चलिए आपका मैक्सिमम क्वेश्चन को अवर होगा ठीक है तो बच्चे इस तरह से स्लॉट बना बना कर आप पढ़िए अकेले रूम में बैठकर पढ़ते हैं तो कुछ कुछ बच्चे ही बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अब पढ़ने के पीरियड में पढ़ रहा हूं हो सकता है कि नींद आ जाए सो जाए बोर फील हो जाए फालतू वाली बातें दिमाग में आ जाए इस कारण से आपका फिर स्टडी खराब हो जाएगा आप अगर थोड़ा सा बाहर अब जैसे रूम में बंद हो के बेड पर नॉर्मली हॉस्टल में बच्चे होते हैं बेड पर बैठ करके पढ़ते हैं बेड पर पैट बेड सोने के लिए होता है वो फटाफट वहीं पर पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे वो सो गया किताब चला गया इस पर बस हो गया पढ़ाई वैसे नहीं करो यार टे, टे, टेबल और चेयर रखो ना बैठ करके पढ़ो कभी घूम घूम कर पढ़ना होता है पढ़ते हैं ठीक है इस तरह से पढ़ाई करो याद रखिएगा जी लिखने पढ़ने का जो है जो मोड जरा देखोगे तैयारी करने में जरा देखिएगा जी आप एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय तक याद रहेगा और एनालिसिस अगर नहीं करेंगे ना तो आपको रट रट के करना होगा तो ज्यादा दिक्कत करती है तो बच्चे इस तरह से आप प्रैक्टिस जबरदस्त ढंग से करो जबरदस्त ढंग से प्रैक्टिस करो ठीक है हाँ जी अब जरा देखो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी इधर ध्यान से सुनिएगा बच्चे एक बात जरा सुनो ये ब्लैक बॉल पेंट है बताइए कौन कौन बच्चा है ब्लैक बॉल पेन है ये करता है ब्लैक बॉल तो शायद नहीं यूज होता है लेकिन जो सी एन चूट का है वो करो मैं नहीं कहूँगा बीच बीच में सर ओ एम आर सीट पेंसिल से सर्कल फिल अप करना है या पेन से बेटा नॉर्मली पेंसिल से ही करना होता है पेन से नहीं पेन से अगर मान लेते हैं अगर मिल भी जाए अगर बोलता है पेन से तो आपको हो सकता है कि जेल पेन का इस्तेमाल करना ना करे बॉल पेन इस्तेमाल करने के लिए बोलेगा बट नॉर्मली है ओ एम सीट की आंसर सीट आंसर याद रखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री इसकी आंसर है वो आपको आ, पेंसिल से करना पड़ सकता है लेकिन ऊपर जो ओ एम आर सीट के ऊपर लिखने वाला जो पार्ट है वो पेन से लिखना होता है और उसके लिए आपको है ब्लू पेन इस्तेमाल करना चाहिए बट जो सी एन चूट का जो एडमिट कार्ड बोले वो करो मेरी बात मत मानो ठीक है हाँ जी बच्चे ठीक है ना जी तो अब जरा एक बात जरा सुनो सी एन चूट में एक होती है ना आई सी आई डॉट ओ आर जी आप वहाँ का पर लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको सब कुछ पता हो जाएगा इसलिए परेशान होने की बात नहीं है अगर एडमिट कार्ड में फोटो नहीं हुआ तो फोटो लगाइए सीए से किसी से सिग्नेचर करवाइए और उसके बाद फिर ले जाइए ठीक हाँ जी एक काम कर सकते हैं आप एडमिट कार्ड में लिखा होगा क्या ओ एम आर सीट पेन से हाँ बेटा हर चीज़ लिखा होगा ओ एम आर सीट को क्या करना है ओ एम आर सीट जब भी होगा ना तो ओ एम आर सीट के सबसे ऊपर खाली जगह पर पेन से नाम लिखना होता है उसके बाद लेटर लेटर जैसे अभी उदित लिखा हुआ है तो अभी में कैपिटल शब्द में कैपिटल लेटर में लिखना है आराम से दूसरे की पढ़ सके लोग उस तरह से उसके बाद नीचे है कि गोले गोले होते हैं तो नाम के नीचे भी गोले गोले हो वो भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर है उसी गोले गोले को पढ़ेगा ठीक और तब वो गोले गोले को पढ़ेगा रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा तो बच्चे एक जरा सुनो तो उसको करना है रोल नंबर है ये सब को जो भी फिल करना है करना है आप आधा घंटा जब सेंटर पर पहले पहुंचोगे ना एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे ना तो वहां के जो गार्ड वगैरह हैं सब कुछ हेल्प करके आपको समझा देते हैं एक बात गलती मत कर देना जरा यह देखना वाइटनर की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वाइटनर ले जाना वाइटनर फिर भी ले जाना वाइटनर एलाउ नहीं है लेकिन फिर भी वाइटनर ले जाना मान लेते हैं कि तुम्हारा पेन से भरना हो पेन से भरना हो और तुम्हारे रोल नंबर में नंबर ही गलत सेडिंग हो गया तो उस समय क्या करोगे तुम्हारा जो नाम लिखना है वो जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक पर तो उन्हें गलत लिख दिया तब तो व्हाइटनर करके सुखा करके उस पर दोबारा अपना नाम लिख सकते हो अच्छा से सेडिंग करना होगा सेडिंग करोगे तो बॉल पेन अगर होगा तो फिर वो मिटेगा नहीं अगर पेंसिल होगा तो उसको रबर से मिटा सकते हो लेकिन बॉल पेन तो मिटेगा नहीं तो वहाँ पर व्हाइटनर की जरूरत पड़ जाएगी तो व्हाइटनर भी ले कर जाना कब जरूरत पड़ जाए ठीक है नहीं जरूरत पड़ेगा तो वापस ले जाऊँगा ज़्यादा भारी थोड़े ले जाने के लिए ठीक ले जाना और फिर ज़रूरत पड़ेगा तो यूज कर लेना एग्जामिनेशन हॉल में हमने अपने लाइफ में देखा है कभी कभी है वाइट जरूर की जरूरत पड़ जाती थी और नहीं है और पूरे क्लास रूम में ढूंढते रह जाओ कोई नहीं मिलता देता तो बड़ी दिक्कत हो जाती एक बच्चा ऐसे लिया हुआ था और उसके व्हाइटनर का इस्तेमाल करके एक बच्चा ने अपने आप को ठीक किया था तो इसलिए जो जो है लाइफ में जो भी घटित हुई है वो सारी बात मैं बता देता हूँ ये छोटी छोटी जो गलतियां है ना टेंशन पैदा करता है यार एक बार टेंशन पैदा हो जाएगा तो हमारी रिजल्ट अच्छा थोड़े होगी रिजल्ट तो खराब ही होगी नहीं तुमको है पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो एक बहुत अच्छा तुम्हारा शुभ चिंतक आ जाए और तेरा मूड खराब कर दे बोल दे कि यार सीए तो लोग बन ही नहीं पाते तुम क्यों पढ़ रहे हो सीए ऐसे वैसे पचास तरह की यार तुम्हें पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, नहीं पढ़ने में मन लगेगा, तो फिर ऐसे ऐसे गलत लोगों से है कि बस दूर रहो एक ऐसे थे दोस्त ऐसे थे और वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और टैलेंट था बंदा में बहुत जबरदस्त टैलेंट था एकदम इंजीनियरिंग कर सकता था उसके बहुत अच्छे शुभ चिंतक आए उनके खा खास रिलेशनशिप वाले कह दिए कि यार तू क्यों इंजीनियरिंग कर रहा है इंजीनियरिंग कर करके कर तो ऐसे ऐसे बैठे हुए तू तो आयुष की तैयारी करना बेटा माइंड को एकदम बढ़ा दिया ऊपर हुआ क्या उसके बाद उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता उसका दिमाग हुआ कि मैं आयुष बनूंगा आयुष बनूंगा आयुष बनूंगा बयालीस साल का हो गया अभी तक आयुष नहीं बना तो बच्चे जिस काम में लगे हो ना उसी काम को पूरा करो पहले एक जो आपने टारगेट डिसाइड किया है उसको पूरा कीजिए वो जब हो जाएगा तो फिर बहुत समय है आई इस बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप जब काम करोगे स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट होगा ना तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है आ नहीं तो ऐसे ऐसे अच्छे शुभचिंतकों से दूर रहो अब जरा एक बात जरा सुनो हो गया जी व्हाइटनर का यूज करोगे तो बेटा वो जो गलत हो गया टाइप व्हाइट कर दो उस पर है कि फिर पेन से लिख दोगे तो कंप्यूटर रीड कर लेगा कोई दिक्कत नहीं होगी और ओ एम आर सीट का जो गोले गोले है ना उसको शेडिंग करने के लिए नॉर्मल पेंसिल की जरूरत होती है अच्छा पेंसिल और अच्छा रबर जरूर रखना कि ज्यादा समय ना लगे मिटाने में ठीक है हाँ जी ज्यादा समय न लगे मिटाने में ठीक है जी हाँ जी तो बच्चे इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं आपको जो बता रहा था बच्चे कि ये जो आपको स्लॉट बनाने हैं करीब करीब वही चार -चर, चार चार स्लॉट तो कम से कम पढ़ो ही पढ़ो और 10 12 घंटे का स्टडी डेली होनी चाहिए उसके बाद नींद भी आप पूरा कीजिए खुश रखें अपने दिमाग को खुश रहें जम के लग के पढ़े रहें अंत अंत तक पढ़ेंगे रिजल्ट तभी आएगा स्कोर उसी का सबसे अच्छा होता है जो अंत अंत तक बैटिंग करता रहता है विकेट पर का होता है जो विकेट पर से जिसकी विकेट गिरा नहीं विकेट पर टिका होगा वही सेंचुरी मारता है वही स्कोर बहुत बढ़िया बनाता है जो जल्दी ज़्यादा फास्ट स्कोर के चक्कर में बैटिंग करता है और वो जल्दी आउट हो जाता है तो बच्चे इसलिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं बीस बीस घंटा पढ़ते हैं बेटा वो गलत है वो बीस बीस घंटा वो पढ़ नहीं पाता वो बीस बीस घंटा सोता है फिर ठीक तो इसलिए वैसा वैसा मत सोचा करो बारह घंटा चौदह घंटा ये ठीक है एवरेज पढ़ाई ठीक है कोई भी आदमी काम करता है बारह घंटा चौदह घंटा बहुत है छः घंटा के आसपास नींद भी पूरा होना चाहिए खाना पर हाँ एक बात है खाना पर एक बच्ची थी पटना की और उस बच्ची बहुत ही लेबोरियस थी बहुत ही मेहनती थी बहुत ही इंटेलिजेंट थी बच्चे जब पेपर आया नज़दीक में तो उसके बाद है खाना पर ध्यान ही नहीं देती थी सुबह से क्लास करने के लिए निकलती थी तीन तीन बजे तक भूखे रहती थी कुछ कुरकुरे खा लिया कुछ ए खा लिया वो खा लिया और उसके बाद क्या हुआ पेपर के पंद्रह दिन पहले उसकी तबीयत खराब हो गई और जानते हो वो टॉपर होने वाली बच्ची सिंपली पास करके रह गई कुछ ऐसे बच्चे रहे कि तबीयत खराब होने की वजह से उनका पेपर छूट गया मिस हो गया तो इसलिए हेल्थ पर सेहत का पूरा ध्यान देते हुए आपको अपनी स्टडी करनी है सेहत में ध्यान दीजिएगा जी लिक्विड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए आप कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि आपका हेल्थ खराब हो ठीक है हाँ नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो खाइए है। एक बार एवरेज खाना पेट भर के खाइए नहीं तो इतना ना खा लो कि नींद आ जाए पढ़ाई ना जाए ठीक तो बच्चे इतना खाना खाकर बैठो कि जिससे कि तुम अच्छा से काम कर सको ठीक हाँ तो इसलिए हेल्थ पर भी मैंने बोल दिया कि हेल्थ का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है हेल्थ ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इसलिए हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना है पेपर देने समय मास्क और सेनेटाइजर का ले जाना है याद रखिएगा मास्क बढ़िया वाला होना चाहिए सैनिटाइजर बढ़िया होना चाहिए साथ में आप टिश्यू पेपर कुछ रख सकते हैं आपके अगर मान लेते हैं नाक वगैरह खराब हो तो उस समय उस समय हेल्प करेगा ठीक है तो बच्चे इसलिए सब बात को ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस एम में बच्चे प्रैक्टिस के लिए है जरा देखोगे और भी है मैं और बता देता हूं जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है रिवीजन अच्छी हो गई है उनके लिए आप आप 2018 से लेकर अभी तक का जितने भी मॉक टेस्ट पेपर है सी एन .E. का आप उसको कर जाइए एक बार मॉक टेस्ट पेपर निकालिए दो घंटे आप घड़ी कर रख दीजिए कि हाँ अलार्म पकड़ा दीजिए दो घंटे में हमें सौ क्वेश्चन करने हैं जिनकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो गई है रिवीजन हो गई है उसके लिए बोल रहा हूं और सिर्फ और सिर्फ एम आप देखिए एम वो देख लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए आप आ जाइए जरा देखिएगा जी मैं आपको बी एम पर थोड़ा सा और बोल देता हूं क्योंकि समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है इतना हमें नहीं बोलना चाहिए लेकिन समय जब ज़्यादा हो गया लेकिन बोलना पड़ेगा बच्चे बी एम पर आपको क्या करना है स्टार्ट्स में बच्चे स्टार्स में सेट ए आपको थ्योरी देता है और एडिशनल क्वेश्चन बैंक एडिशनल क्वेश्चन बैंक वो भी है थ्योरी है ये दोनों थ्योरी है आप उसको देख लीजिए एडिशनल क्वेश्चन बैंक ये दोनों थ्योरी है इसको देखना है सेट बी को आपको पढ़ना है ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं नूमेरिकल ठीक है आप इसको जरूर देखिए ये दो ही सेट देखना है आप सेट सी है फाइव मार्क्स वाले क्वेश्चन है सेट सी सेट सी बेटा इसको छोड़ दो सेट सी के पीछे दिमाग खराब नहीं करना है स्टैट्स के लिए बता दिया मैथ में जरा देखिएगा जी मैथ में अगर आपको करना है तो मैथ में और उसके बाद है कि इसके लिए और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी है प्रीवियस ईयरस क्वेश्चन काफी है बेटा इतना करने में सारा समय बीत जाएगा जी इतना करने में सारा समय बीत जाएगा ये कम नहीं है ठीक है ये बहुत है ये कम नहीं है बहुत है तो इसलिए इस पर पूरा फोकस कर लीजिएगा मैथ्स के लिए बता रहा हूँ बच्चे मैथ के लिए बता देता हूँ मैथ्स में बच्चे सभी में स्टार्ट में भी मेरी स्टडी नोट्स को बहुत बढ़िया से ज़रूर देख लेना यार बहुत ही काम का चीज़ है वो उसमें आपको मैंने जो ट्रिक्स बताया हुआ याद करने का वो कलाकारी याद आ जाएगा आपको अच्छा मैथ्स में बच्चे एक बात जरा सुनिए मेरी जो स्टडी नोट्स है क्लास नोट्स क्लास नोट्स है उसको जरा आप देखिए पहला बात फिर उसके बाद है सिर्फ एक्सरसाइज को देखना है सिर्फ एक्सरसाइज को देखना है इसमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक को छोड़ देना है एडिशनल क्वेश्चन बैंक इसको छोड़ देना है एडिशनल क्वेश्चन बैंक के पीछे माथा खराब नहीं करना है आप इतना ही कीजिएगा आप डेफिनेटली पास करेंगे पास डेफिनेटली पास करेंगे पर परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखना ही चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लीजिए ठीक है जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो ये बहुत है जी 25 दिन में कितना करोगे बहुत है इतना पढ़ने का तरीका ठीक है जी आईसीआई बुक में कहा से देखा है बच्चे एक बाजरा सुनो सीए इंस्टीट्यूट की बुक से ही करो मेरा अगर क्विकर लिया हुआ है तो क्विकर से थ्योरेटिकल देखो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सारा वो देखो ठीक है हमने क्विकर में है टाइप वाइज क्वेश्चन बनाया है अब उतना करने का तो वक्त है नहीं तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही सबसे ज्यादा फोकस करनी है एम टीपी पर सीएम छोड़ की जो एम है उस पर फोकस करनी है मैं आपका है कि एम बच्चे मैं आपका एम बच्चे मैं आपका एक एम जो नवंबर 2000 इक्कीस वाला है वो करवाने वाला हो आप इस एम पी को जरूर कर लीजिए और इसकी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आप उसको मिलाइएगा वो आपको काम आ जाएगा ठीक है हाँ जी एक्सप्लेन करने में ढाई घंटा तीन घंटा चार चार घंटा समय लगता है तो बच्चे ए आप कर लीजिए ठीक है और इधर देखिएगा मैं आपको जो भी एवरेज बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एक दो दिन इधर मैं मैराथन क्लास लगाने वाला हूँ मैथ्स के लिए स्टैट्स के लिए नहीं लगाऊंगा इस बार स्टैट्स के लिए मैराथन क्लास मेरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है आप उसको देख लीजिए तीन दिन का क्लास है वो आप उसको देख लीजिए वो आपको भला करेगा फायदा पहुंचाएगा ठीक है और मैथ्स के लिए इस बार लगा रहा हूँ मैथ्स में है जो भी चैप्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स को ले लेंगे और वो आपको हम बताएंगे ठीक तो बच्चे नवंबर अटेम्प्ट वाला है हो सकता है आपका कल नहीं परसों नवंबर अटेम्प्ट वाला जो मॉक टेस्ट पेपर है हम उसकी डिस्कशन करवाएंगे आपको मैंने बोला हुआ है एम का टेस्ट पेपर वो आपको करना मैं अपना एम का दे सकता हूँ ठीक लेकिन कुछ बच्चों का आया कि सर आप सी एन चूट वाला करा दीजिए अब आया तो फिर मैंने कहा कि ठीक है फिर एक ओलंपियाड टेस्ट का टाइम दिया हुआ है ओलंपियाड टेस्ट की तैयारी आप जारी रखिए पूरे सी एन चूट के जो किताब है है पूरी तैयारी कर लीजिए और जिस तरह से सी एन में पेपर आता है उसी तरह से मैं भी भेज दूंगा तो आप एक कर लीजिए जी सर सेट ए नहीं मिल रहा है आईसी बेटा सेट ए क्यों नहीं मिलेगा आप स्टैटिस्टिक्स में सी एन चूट के स्टडी मैट में स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो सेट ए सेट बी सेट सी मिलेगा एडिशनल क्वेश्चन मिलेगा आप मैथमेटिक्स के पार्ट में देखोगे तो एक्सरसाइज वन ए वन बी वन सी ऐसे मिलेगा फिर एक्सरसाइज टू ए टू बी ऐसे मिलेगा तो आप उसमें ऐसे मिलेगा समझ में आ गई आप देखिए ठीक ठीक है जी और कुछ बातें और कुछ बातें किसी को कुछ सवाल करनी है तो बताओ और कुछ बातें बच्चे सर स्टार्स के टॉपिक रहते हैं वो आपके क्लास वीडियो से पढ़े या आपके ओल्ड मैराथन वीडियो से ये बच्चे एक बाजरा सुनो अभी का जो टाइम है मैंने अपने क्लास के बच्चों को गूगल गूगल ड्राइव दे दिया है तो वो बच्चे हैं गूगल ड्राइव से जो भी चैप्टर बाकी है चाहे छूट गया या दोबारा करना है वो कर रहे हैं तो बच्चे करना तो चाहिए पूरा ढंग से तभी समझ में आएगा यह जो मैराथन क्लास उसके लिए होता है जो पूरा पढ़ा हुआ है और उसी की याद कराने के लिए होता है एक एक चीज़ को आप अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब उसके लिए तो वक्त बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा तो फिर वो मैराथन नहीं रहा ठीक है हाँ जी तो मैराथन क्लास में हम आपको यही करेंगे कि फॉर्मूला को याद करवाते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे बस इतना ही काम करेंगे ठीक और वो मैथमेटिक्स का करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे आपको हो सकता है कल परसों में आपको ये न्यूज मिल जाए कि मैं कब से करवाऊंगा सी एन छूट आईसीआई का जो नवंबर अटेम्प्ट का मॉक टेस्ट पेपर है वो मॉक टेस्ट पेपर की डिस्कशन मैं करूंगा ठीक कुछ बच्चों ने कहा है कि इसके टेस्ट पेपर बड़े टफ दिए हैं मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ तो इसको करेंगे और ओलंपियाड टेस्ट मैं बना कर दूंगा और उसकी डेट शायद 26 को है और 26 के लिए आप तैयार रखिए अपने आप को ठीक है ना जी अपने आप को तैयार रखिए और कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ सकते हो ठीक है जी ओ एम आर सीट डाल दीजिएगा मैं ओ एम आर सीट डाल दूंगा ओ एम आर सीट हमारा बना हुआ है वो मैं आपको अपने यूट्यूब के कम्युनिटी ब्लॉग में उसकी लिंक डाल दूंगा आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक और कुछ सर अगर मॉक में अस्सी पचासी स्कोर हो तो अच्छे हैं बहुत बढ़िया है जी अस्सी पचासी स्कोर अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है है ना जी मॉक टेस्ट पेपर में बट एक बात याद रखिएगा टाइम में अंडर टाइम विद इन टाइम ये नहीं कि अब अस्सी पचासी लाए लेकिन चार घंटा लगा दिए वो तो बेकार है फिर अस्सी पचासी सौ में सौ ले आए चार घंटा लगा दिए तो वो बेकार है दो घंटा मीन्स दो घंटा वो भी ओ एम आर सीट वगैरह भर भूर करके और तब आप देखिए कि विद इन टू आवर्स भले पाँच मिनट पहले हो जाए वो अच्छा है ज़्यादा नहीं होना चाहिए और तब मार्क्स लाते हैं तो वो ठीक है फिर ठीक है ना जी और बोलिए और किसी को कुछ पूछना है बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक घंटा पैंतालीस मिनट में पूरे सौ क्वेश्चन करके बैठे हुए हैं ठीक है बैठे हुए हैं जी तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता हो सकता हमारे पास एक लड़का था संदीप आज क्या कहते हैं आचार्य उसने हंड्रेड परसेंट मार्क्स लाया था मैथ में उसको समय मिला था एक घंटा लेकिन एक पैंतालीस मिनट में करके बैठा हुआ था तो उसको क्या कहोगे जरा इधर ध्यान दे देना जी सर स्कैनर इज मस्त बेटा स्कैनर तो मैं नहीं कहूँगा स्कैनर में आपके जो लेंदी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है अगर लेना है तो हमारी क्रैकर ले सकते हो अगर आपको परचेज करना है पढ़ना है तो हमारी क्रैकर ले लीजिए इस क्रैकर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेगी और वो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको काम आएगा ठीक है हाँ जी तो एक काम आएगा तो अगर लेना ही है तो क्रैकर ले लीजिए जिनको भी लेना है एक क्रैकर बड़े काम का है इसमें ट्रिक्स दिया हुआ है शॉर्टकट ट्रिक्स दिया हुआ है कुछ डिटेल्स भी है और इसमें क्वेश्चन की जो रिवीजन करनी है 2010 प्लस आगे का जो भी है उसका रिविजन करनी है उसके पहले का छोड़ दो उसके देखना है उसके पहले का तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2010 प्लस वाला देख लो वो आपको बड़ी काम का आ जाएगा तो आपको करना है तो इसको कर लीजिए ठीक है ये मैंने लिखा है अब ये मत कहना कि हाँ आप अपनी प्रचार कर रहे हैं बेटा हम अपनी प्रचार की बात छोड़ दो रियली में मैं बता रहा हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स वाले हैं और आसान तरीके से दिया हुआ है दूसरे वाले में है आपको है कि वही लेंदी होगा कुछ गलत भी है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा इधर ध्यान से देखिएगा जी हमारे यहाँ जो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव है और प्लस फेस टू फेस तीनों मोड हमारे लिए अवेलेबल है हमारे यहाँ सेंटर पर फाउंडेशन का हो तो फाउंडेशन में भी हम तीनों मोड में क्लास दे रहे हैं अभी सी ए फाउंडेशन फेस टू फेस और अभी फेस टू फेस के साथ गूगल ड्राइव फ्री का स्कीम है तो शायद आठ दस दिन का स्कीम ही और बढ़ गया है पच्चीस नवंबर के आसपास तक का और उससे पहले अगर मिलेंगे तो इनको है कि गूगल ड्राइव फ्री वाला स्कीम मिल जाएगा जो अकेले अठारह हज़ार का फीस का है ठीक है हाँ जी और दूसरा है कि इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो हमारे यहाँ पेन ड्राइव गूगल ड्राइव फेस टू फेस मोड में क्लास अवेलेबल है दिल्ली लक्ष्मी नगर सेंटर पर आकर आप हमारे कैलाश ठाकुर इन छूट में आकर के आप देख सकते हैं हाँ जी बोलिए जी बच्चे आपका क्विकर लिया है उसमें से बेटा क्विकर अगर लिया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए बहुत है जी बहुत काम का आएगा आर्जन अगर क्विकर लिया हुआ है तो हमारी नोट्स भी अगर नहीं देखते हैं तो सी एन चू सॉरी क्विकर का एग्जाम्पल्स ओनली एग्जाम्पल्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर चार पांच बार कर लीजिएगा तो सेफ मोड में रहेंगे ठीक है जी प्रोबेबिलिटी अगर छोड़ दे तो बेटा मैंने तो टोटल सब कुछ को कट पेस्ट करके है कि 80 मार्क्स तक पहुंचाया था ना प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिएगा तो तीन चार मार्क्स आपका और कम हो जाएगा ठीक है बट हमें कोशिश करके जाना चाहिए तैयारी तो पूरी चाहिए और बोलिए अमन तुम्हारे सवाल का जवाब दिया और किसी से कुछ पूछना है हमारी स्पीकर का किताब ये है हमारे क्विकर किताब जो है मैंने लिखा है ये है किताब मैं ही हूं जी और इसमें मेरी ही फोटो लगी है दूसरे की फोटो नहीं लगी ये देख लो इस किताब में ये फोटो है मेरी ही फोटो है अब ये मत बोलना कि सर ये जवानी वाला फोटो है बेटा अभी भी मैं जवान हूँ ठीक है तो फोटो हमारी ही लगी है। तो बच्चे एक बाजरा सुनो ठीक है सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि क्या मटेरियल ले जाए पेपर में लाइक पेन पेंसिल बेटा लाइक पेन पेंसिल सब लेके जाना है आपको पेन ले जाना है एक पेन नहीं दो पेन पेंसिल ले जाना है तीन पेंसिल से कम मत ले जाना रबर ले जाओगे एक दो पेन रबर ले जाओगे अगर बाई चांस किसी दोस्त को जरूरत पड़ देगा तो हेल्प कर देना ठीक है हाँ जी वाइटनर जरूर ले जाना है हो गया जी किताब कितनी की है बेटा एक किताब कौन सा है ए, फीकर जो है वह नौ हजार नौ हजार कहते हैं नौ सौ पंचानवे रुपए के है बट उसमें डिस्काउंट है तो आप वहां पर देखिए अमेजन से भी मिल सकता है बट वहां पर थोड़ी पैसे ज्यादा लग जाते हैं तो चार्ज अपना लेता है कुरियर वगैरह चार्ज सब कुछ इंक्लूड करके बोलता है ठीक है तो ये है और प्लस क्रैकर है तो क्रैकर नाम से इस करना नहीं क्रैकर नाम से हमारा कोचिंग है ए, कोचिंग कहते हैं बुक है और वो है आपको पाँच सौ रेट है लेकिन उस पर भी डिस्काउंट मिलती है काउंटर ए, किताब के बुक सेलर के पास जाएंगे तो वहाँ मिलेगा जी ठीक है जी ब्लैक पेन बेटा ब्लैक पेन ले कर जाइए लेकिन ज़्यादातर ब्लू पेन पेन का इस्तेमाल लोग करते हैं बट आप ब्लैक पेन ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है आप बट जो पेन का बोलेगा वही काम करेंगे बॉल पेन ले जाना है जेल पेन नहीं ले जाना जेल पेन है नहीं ले जाना जेल पेन अलाउ नहीं है बॉल पेन अलाउ है तो आप उसको देख लेना एडमिट कार्ड में हर चीज लिखा होता है ठीक है नौ हजार पचास नहीं है बेटे नौ सौ पंचानवे रुपए डिस्काउंट भी मिलता है उसमें तो करीब करीब सात सौ के आसपास पड़ता है अमेजन पर जाओगे तो साढ़े सात सौ आठ सौ रुपए के आसपास पड़ जाएगा टैक्समैन किताब पब्लिकेशन से भी ले सकते हैं आप टैक्समैन पब्लिकेशन से भी ले सकते हैं सर वैसे तो एडमिट कार्ड में लिखा होगा एकदम सारा इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में लिखा होगा अमन बोलो मडवाकर मडवार बट ओनली ब्लैक पेन अलाउ है तो ब्लैक पेन अलाउ है तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो फिर तुमने अगर पेपर दिया होगा पहले तो तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा है ना तो जो अलाउ हो वही करना है एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा होगा उसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है चलो जी बोलो और कुछ नहीं पूछना ना अब मैं आगे बढ़ सकता हूं बिता ले लू तुम लोगों से बोलो बेटा बोलो ठीक है अब जरा देखो कम समय में अगर मान लेते हैं हमारी टिप्स देखनी है तो दो पिछले बार जो हमने टिप्स बताया था वो करीब करीब आधा घंटे का है उसमें मैंने किसी से बात नहीं किया था वो रिकॉर्ड करके दिया था और उसमें कम समय लगा था आप उसको देख सकते हैं तो आपको आधा घंटे का टिप्स और ज़्यादा काम का आ जाएगा इसमें तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया ठीक है ना जी हर्षिता मैं आपके क्लासेस लेट ज्वाइन किया था तो परमोटेशन एंड कम से कर सकते है? कर सकते हो स्किप परमोटेशन कम्बिनेशन को आप छोड़िए अभी मत करिए अभी करने का मतलब है नौ क्लास लग जाएगा परमोटेशन एंड कम्बिनीन में नौ गुना दो घंटे लगेंगे ठीक है आशीष राणा बाय जी बाय ठीक है हो गया जी बच्चे मिल जाएगा मिल जाएगा और मैं आपको है फिर मैं आपसे बात करूंगा मैराथन क्लास के लिए मैथ्स की जो रिवीजन कराना है एक दो दिन क्लास लगाऊंगा और उसमें है तीन घंटे चार घंटे की एक क्लास होगी और उसमें मैं आपका रिविजन कराऊंगा उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं कराऊंगा आपसे ठीक है जी हां जी सीता मैं देख लिया तुम्हें जवाब दे दिया ठीक परमोटेशन एंड कम्बिनेशन तीन चार क्वेश्चन आते हैं आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको नहीं समय है तो ठीक चले जी बाय 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 जय हिंद फिर जल्द मिलते हैं तैयारी जारी किए All the best.